हेलो फ्रेंड्स, आई एम लक्ष्मीकांत एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब लेट्स लर्न टू शाइन दोस्तों आज हम ऐसे पोएम के बारे में बात करेंगे जो एक लव पोएम है और उसका टाइटल है वेन वी टू पार्ट इट और इसको लॉर्ड बायरन ने लिखा है और इस पोएम में दोस्तों जो स्पीकर है लॉर्ड बायरन है ही एक्सप्रेस हिज पेन हिज डिसुजनमेंट एंड दैट फॉलोज अ ब्रेकअप बिटवीन द स्पीकर एंड हिज बील

ही समथिंग डिफरेंट वेरी वेरी यू नो रोमांटिक हाईली इमोशनल थोड़ा सा मैनिपलेटिव थोड़ा सा सेल्फ अवेयर ऐसे कुछ तरह का आदमी था बहुत ही हैंडसम बहुत ही गुड लुकिंग था तो इसको एक लड़की से प्यार हो गया था जो कि एक मैरिड वुमेन थी जिसका नाम लेडी फ्रांसिस था जो एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था और दोस्तों ये जो रिलेशनशिप ये कुछ ज्यादा देर तक नहीं चली थी क्यों? क्योंकि इसमें भी एक ट्विस्ट आता है है कि जब बैटल ऑफ होता है जिसमें ब्रिटिश आर्मी नेपोलियन की आर्मी को हराती है तो उसमें जो हीरो होता है जो ब्रिटिश आर्मी का कमांडर होता है उसका नाम था ड्यूक ऑफ वेलिंगटन जबकि ये हीरो बन जाता है तो इसके प्यार में ये लेडी फ्रांसिस पड़ती है और इसका रीजन ये होता है कि इसकी जो रिलेशनशिप है लॉर्ड बायरन के साथ में वो ब्रेक हो जाती है और इसी का दुख इसी पोएम में हमको देखने को मिलता है थोड़ा जो पेन वो जो सारू वो जो टीयर्स अपने को एक्सप्रेस करने को दिखते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसके जुदाई के कारण है इसके डिपार्ट होने के कारण है इसके रिलेशनशिप ब्रेक होने के कारण ही है चलो तो फिर

is a failure of love, and he says, Ki when you and I broke up miss when me and my uh, love my uh, um, beloved lady Frances, their relationship was broken, and he says we were very silent, we were tearfuls, and our hearts were broken as we tore ourselves from each other for years to come and during this breakup he says, says sever एंड ऑफ एंड ऑफ द रिलेशनशिप और यहाँ पे एक दूसरा शब्द है फोटो फोटो मीन प्रोडक्ट करना तो यहाँ पे वो बोलता है कि जब हम जुदा हुए थे जब तूने मुझे गुड बाय कहा था तो हमने साइलेंट में कहा था हमने बहुत ही एकदम सॉलीट में कहा था जो रिलेशनशिप किसी को पता नहीं थी इसी के कारण हमने बहुत ही साइलेंटली अपना दुख व्यक्त किया था तो ड्यूरिंग दैट ब्रेकअप योर चिक्स बिकम को पेल एंड कोल्ड टू टच एंड योर किस वाज इवन कोल्डर एंड इट सीम्स टू मी दैट द वे वी स्लिप स्प्लिट अप द प्रेडिक्टेड और दैट प्रेडिक्टेड द पेन एंड द सैडनेस आई फील नाउ ही सेस कि जब मुझे तूने लास्ट वाला जो गुड बाय कहा था जो किस किया था वो मुझे अभी भी सता सता रहा है अभी भी उसकी याद मुझे आ रही है और उसी के कारण मेरी जो ये जो दुखी अवस्था है उसी के कारण है और वो बोलता है अवर फोर टोल्ड सोरो में इस फैलिसा में हमको देखने को मिलता है कि जो लॉर्ड बायरन है बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीचेस का यूज करता है जैसे कि पहले लाइन में हमको देखने को मिलता है एलिटरेशन तो यहाँ पे रिपीटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोट साउंड इन द सेम वर्ड यू कैन से दैट इज वेन वी वो जो वी करके यहाँ पे प्रोनाउन यूज करता है तो वो बोलता है कि लेडी फ्रांसिस कारण हम यहाँ पे बोल सकते कि यहाँ पे एपोस्ट्रोपे नाम का भी फिगर ऑफ स्पीच यूज किया है सो कम टू द सेकेंड स्टांस इन दॉर्ड बरस The dew of the morning sang chill on my brow, it felt like the warning of what I feel now. Thy woes are all broken, and light is thy fame, I hear thy name spoken and share it in its shame, he says. To Yapides Dekidos Voboltahe, kid the dew of the morning. The morning dew sank coldly into my forehead, foreshadowing the emotional coldness I now sense. And all your promises are broken. जो भी वादे थे वो सारे टूट गए हैं एंड दीपल पीपल आर नोन टू अब दे आर वेरी मच अवेयर अबाउट अवर रिलेश रिलेशनशिप एंड टॉक अबाउट यूर कैरेक्टर दे टॉक अबाउट यूर मिसबिव एंड ही सेज की वो जो तुम्हारी इमेज थी वो अभी लाइट हो गई है वो थोड़ी कम हो गई है एंड मतलब आई सुनता हूँ तो बहुत, बहुत, बहुत ही बुरा फील करता हूँ और वो जो तुम्हारी रेपुटेशन है वो जो तुम्हारे वादे हैं वो कहीं तो भी हो गए हैं और वो जो हमारे रिलेशनशिप कभी सदाबहार थी वो यहाँ पे कभी भी डाय होने के और डिक्लाइन होने के और कभी तो खत्म होने के कगार पर है ओके? सो दिस इज द सेकेंड स्टांजा कम टू दर्ड स्टांजा नाउ इन दर्ड स्टांजा ऑफ़ दिस पोएट बिफोर मी अल इन माई इ केम ओवर मी वाई वेट दउ सो डियर दे नो नॉट आई नो न्यू दू न्यू दू वेल

सो डियर टू मी और वो आगे में बोलता है कि दे नो नॉट आई न्यू दी लोगों से ज्यादा मैं तुमको बहुत अच्छी तरह से जानता था और वो बोलता है कि पीपल डोन्ट नो हाउ वेल आई न्यू यू एंड द फैक्ट दैट यू नो आई न्यू यू टू वेल ही सेज एंड इन दास्ट टू लाइन की लॉन्ग लॉन्ग शाल आई रिव दू का मतलब रिमेंबर विथ डिग्री रिग्रेट रिमेंबर विथ सैडनेस रिमेंबर विथ गिल्टी कॉन्शियसनेस, और वो बोलता है कि मैं जब भी तुमको याद करता हूं तो मुझे उसके बारे में बताना बहुत ही बुरा लगता है और वो बोलता है कि मैं जब भी तुमको याद करूंगा मुझे थोड़ा गिल्टी फील होगा तो ये जो स्टोरी है ये एक ऐसे रिलेशनशिप की है कि जहां पे उसका लव जो है वो सक्सेसफुल नहीं है

The whole world was totally unaware about this relationship, and that is why I grieve in silence. Matlab, silence grieve Sorrow close room uh, That thy heart could forget, thy spirit deceive. Matlab kya our relationship was secret, and so I grieve it secretly. एंड आई हेट दैट यू हैव फॉर मी मैं इसलिए तुमसे नाराज हूं कि तूने मुझे पूरे तरीके से भुला दिया और वो बोलता है कि डिसीव। डिसीव का मतलब चीट करना कि चीट किया है तूने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया है इफ आई शुड मीट दी थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक है समवेयर इन फ्यूचर कि हाउ शुड आई ग्रीट दी मैं तुमसे कैसे बात करूंगा मैं तुमसे कैसे पेश आऊंगा कैसे एक्सप्रेस हूंगा तो वो बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ वैसे ही मिलूंगा जैसे हमने यहां पर डी पार्टिंग वेन वी टू पार्ट वो बोलता है कि विथ साइलेंस एंड टीयस कैसे कि बहुत ही साइलेंस तरीके से सीक्रेटली वी कैन मीट एंड वी विल रिग्रेट With tears, he says. So, friends, in the first stanza, we have seen the line in silence and tears. In the last stanza, also, he is ending this poem with the line with silence and tears. It means another important figure of speech he is using, that is refrain, means the repetition of the same line in the two stanza. राइट सो दिस इज हाउ ही इज एक्सप्रेसिंग हिज यू नो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स और द बायोग्राफिकल डिटेल्स अबाउट हिज लाइफ अबाउट हिज लव अबाउट हिज रिलेशनशिप और द ब्रोकन लव इन दिस पोएम राइट तो दोस्तों इस पोएम में हम कुछ और बातें देखेंगे तो चलिए देखते हैं दोस्तों बाकी पोएम की तरह इस पोएम में भी वो एक थोड़ा सा अलग टेम्परामेंट यहाँ पे एक्सप्रेस करता है लॉर्ड बायरन उसके बायरन एक हीरो के कैरेक्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है जब हम उनकी पोएम पढ़ते हैं डॉन जॉन मैनफ्रेड चाइल्ड हेरोल्ड पिलग्रमेज या फिर व्हेन वी टू पार्टेड इसमें एक थोड़ा सा सिमिलरिटी हमको दिखता है कि जो एक कैरेक्टर जो ऑटोबायोग्राफिकल कैरेक्टर यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है थोड़ा सा एलोगेंट डिप्रेसिव वॉयलेंट भी है सेल्फ अवेयर भी है इमोशनली और इंटे, इंटेलेक्चुअली टॉर्चर भी है जो आ, कभी कभी बार किसी भी डेप्थ के कारण उसके ब्रोकन रिलेशनशिप के कारण या फिर उसके मिसबिहेव के कारण अगर गल अलग अलग दुनिया में भाग रहा था और उसी दौरान उसकी ग्रीस में डेथ हुई थी जो ग्रीक इंडिपेंडेंस वॉर था उसमें उसका फीवर के कारण डेथ हुई थी तो ये जो पोएम हमको एक उसके पर्सनल uh, फीलिंग के बारे में बताती है उसके ब्रोकन रिलेशनशिप के बारे में बता, बताती है तो मुझे अपेक्षा है दोस्तों यू हैव एन्जॉय दिस पोएम एंड इफ यू वांट टू हियर मोर अबाउट दिस पोएम यू कैन स्टे कनेक्टेड यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ द अपलोडेड वीडियो थैंक यू